अमेठी जनपद के जास कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्थित मालिक मोहम्मद जैसी मेमोरियल अस्पताल में चल रहे अवैध रूप से मेडिकल स्टोर पर प्रशासन के शिकंजा कसा। जैस के प्राइवेट अस्पताल में अवैध रूप से मेडिकल स्टोर संचालित होने और दवाओं के गोरख धंधे पर चार जनपदों से आए अधिकारियों ने एक घंटों जांच की और पिछले काफी दिनों से मेडिकल स्टोर चलाया जा रहा था, जिसका स्थानीय लोगों ने लिखित रूप में शिकायत भी की थी। जनता की शिकायत पर उनके प्रार्थना पत्र पर अधिकारियों ने संज्ञान लिया, जिससे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। चार जनपदों के जांच अधिकारियों ने जनपद के जैस स्थित मालिक मोहम्मद जैसी मेमोरियल अस्पताल पहुंचकर मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की और दवाओं की जानकारी ली। इस दौरान अस्पताल स्थित दवाओं के भंडारण में अधिकारियों के द्वारा कई दवाएं जो एक्सपायर थी पकड़ी गई हैं। कार्यवाही में 3 लाख रूपये के ऊपर की दवाओं को सीज किया गया। खबर लिखे जाने तक कार्यवाही जारी रहेगी। लाइसेंसी औषधियों का भंडारण और विक्रय किया जा रहा था जी। उक्त के तहत यहाँ पे छापामारी की गई है औषधि विभाग द्वारा मेरे निर्देशन में, और पाया गया कि नहीं पाया गया कि यहाँ पर विदाउट लाइसेंस ही चल रहा है औषधियों का विक्रय, भंडारण और विक्रय चल रहा है। तो उसी के उक्त के क्रम में ही छापेमारी के क्रम में ही सील किया गया दवाओं को। और भी प्रश्न पूछे कि क्या कार्रवाई, दवाइयाँ सील हुई हैं? करीब 3 लाख से ऊपर की दवाइयाँ सील, बाजारों कीमत 3 लाख। ये एक्सपायरी भी थी कि डुप्लीकेसी थी, क्या थी दवा जो सील हुई है? नहीं, उसमें एक्सपायरी भी थी, डुप्लीकेसी तो नहीं, और कुछ सैंपल लिए गए हैं जो भेजे जाएंगे जांच। और ये नर्सिंग होम का भी लाइसेंस था कि नहीं? नर्सिंग होम का लाइसेंस नहीं चेक किया गया है, उसको भी चेक किया जाएगा। लाइसेंस नहीं चेक हुआ नर्सिंग होम का? नहीं, लाइसेंस है इनके पास, बाकी जितने डॉक्टर्स हैं उनके चेक नहीं हुआ अभी, वो भी किया जाएगा। इसमें कोई गिरफ्तारी हो रही क्या सर? गिरफ्तारी बाद में होगी, अभी तो जांच चल रही है, उसके बाद अभी मैं आज क्या कार्रवाई की है? अभी सीलिंग करके सीलिंग कर दिया जी, दवाइयाँ जमा हो गई। अच्छा, धन्यवाद।